हाय गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए ये पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पैटर्न देखिए इस तरह से देखते हैं और ये रॉन्ग साइड से इस तरह से देख सकते हैं आप। ये पैटर्न आप यदि किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, खासकर मैं जेंट्स स्वेटर और फिर कार्डिगन के लिए काफ़ी पसंद करती हूँ। यदि इस पैटर्न को आप कार्डिगन और फुल स्वेटर यदि जेंट्स के बनाएंगे, उसमें यदि ऑल ओवर स्वेटर डालेंगे तो काफ़ी प्यारा लगता है। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना भी उतना मुश्किल नहीं है, देखेंगे सिर्फ सीधी उल्टी की बुनाई ही है, कोई भी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। एक बार आपको ध्यान से देख लेंगे तो इजीली बना सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए आप 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और एक्स्ट्रा देख लेंगे जो भी। मैं इसमें दो दो फंदे एक्स्ट्रा ली हूँ, दो फंदे इधर से और दो फंदे इधर से, तो टोटल इसमें हमारे 44 फंदे हैं। इन 44 फंदे में ही आपको मैं बनाकर बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाते हैं और बॉर्डर के बाद हम दो लाइन बनाएंगे, दो सीधी दो उल्टी, दो सीधी दो उल्टी, ऐसे इस तरह से फर्स्ट लाइन और फिर सेकेंड लाइन हम उल्टी साइड से बनाएंगे। जो फंदे जैसे दिखेंगे उसी तरह से दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, जो इधर से सीधे बनाएंगे सीधी साइड से वो उल्टी साइड में जाकर उल्टी बनाएंगे। इस तरह से आप दो लाइन बना लेंगे। जब तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे तो ये तीसरी लाइन को हम फर्स्ट रो से काउंट करेंगे पैटर्न में। ये जो दो लाइन हम बुनाई करेंगे सिर्फ स्टार्ट में ही बुनाई करेंगे, ये बेसिक रो होगा। इसके बाद आगे हम ओनली जैसे पैटर्न बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक्स्ट्रा वाले ये दो फंदे को हम बुन लेते हैं, उल्टा बुने हैं हम इसमें, आप जैसे भी बुने। उसके बाद देखिए अब 10 फंदे की पहले 10-10 डिवाइड करके आप बुनेंगे तब आप बना पाएंगे। 10 फंदे की पहले हम बुनाई करेंगे तो उसमें 10 फंदे में पहले दो फंदे को हम सीधा बुनते हैं। इस तरह से ही आप स्टार्ट करेंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा। 8 फंदे हमने इसमें बुन लिए, दो फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, 2, 4, 6 और ये 8 फंदे बुन लिए। और दो फंदे जो हमने 10वें फंदे लेंगे, 9 और 10 फंदे, वो देखिए इधर वाले ये दो फंदे को छोड़ने के बाद ये दो फंदे हमारे सीधे हैं। इन दो फंदों को हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। सीधे फंदे को हम फ्रंट साइड से लेंगे और उल्टे वाले फंदे को हम बैक साइड से लेंगे और इन दो फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा 10 फंदा बुनकर बुन लिए, ये 10 फंदा हम धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दो फंदे इधर वाले उल्टे गए हैं, इसे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। उसके बाद ये देखिए उल्टे फंदे दिख रहे हैं हमारे, इस पर हम सीधा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे पर उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 10 फंदे हमारे यहाँ तक हुए, यहाँ से 2, 4, 6 फंदे हुए, धागा पीछे करेंगे। उसके बाद ये उल्टे वाले फंदे के ऊपर में हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से 8 फंदे हम बुन लिए, 10वां फंदे हम बैक साइड से इधर लाइन से लाएंगे और सीधे वाले फंदे को उधर लेंगे, ट्विस्ट कर देंगे इन 4 फंदों को हम इस तरह से। सीधे वाले फंदे को इधर ले जाएंगे और उल्टे वाले फंदे को इधर लाएंगे। सिर्फ फर्स्ट लाइन आप ध्यान से देखिएगा, आगे फिर सिंपल बुनाई करनी है। ये सीधे फंदे हुए, अब इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने हैं कि सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, इस तरह करके। अब इन 10 फंदों को हम सीधे के ऊपर सीधा बुनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए सीधा हुआ, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। तो यहाँ से हम देखिए 2, 4, 6, 8 फंदे बुन लिए और 10वें फंदे हम जो सीधे वाले उल्टे के बाद लाएंगे, इस तरह से ट्विस्ट करके हम लाएंगे। सीधे वाले फंदे को फ्रंट साइड से हम इधर लाएंगे और उल्टे वाले फंदे को बैक साइड से इधर ले जाएंगे और इन दो फंदों को
सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे कंप्लीट हुए। धागा आगे करेंगे और ये फंदा हमारा उल्टा बुनाएगा। धागा पीछे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे के ऊपर हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर उल्टे दिख रहे हैं, यहाँ पर हम सीधा बुनेंगे और ये उल्टे वाले फंदे के ऊपर, सॉरी सीधे वाले फंदे के ऊपर उल्टा बुनेंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा हमारा लास्ट का 2 फंदा, इसे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हुआ, सेकेंड लाइन उल्टी साइड। इसमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे, जिस फंदे को हम राइट साइड में सीधा बुने हैं वो उल्टी साइड में हम उल्टा बुनेंगे, जिसे उल्टा बुने हैं उसे हम सीधा बुनेंगे। तो इसमें देखिए स्टार्ट के ये 2 फंदे हमारे सीधे होंगे क्योंकि सीधे साइड से हमने उल्टा बुनाई की है। फिर ये लास्ट वाले फंदा भी हमारा यहाँ पर सीधा ही होगा। 2 फंदा यहाँ पर, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, जो फंदे जैसे दिखेंगे उल्टी साइड में उसी तरह से बुनाई करनी है। हमारे सेकेंड रो कंप्लीट हुई, अब आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में देखिए एक्स्ट्रा वाले हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए पहले 10 फंदे को हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। देखिए यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं, इसे हम सीधा ही बुनेंगे और फिर यहाँ पर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे। ये 10 फंदे की हमने सीधी सीधी बुनाई की, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा, इस तरह से 10 फंदे। अगले 10 फंदे की बुनाई हम उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ देखिए उल्टे फंदे हैं तो धागा पीछे ही रहने देंगे और यहाँ पर हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर सीधा दिख रहा है, इसके ऊपर हम उल्टा बुनेंगे। अगले 10 फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे। देखिए ये सीधा है, इस पर हम उल्टा बुनेंगे और ये उल्टे हैं, इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। अगले 10 फंदे की हम इस तरह से बुनाई किए। अब आगे फिर हम 10 फंदे जो बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे। जैसे ये फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं सीधा बुनेंगे, उल्टा के ऊपर उल्टा बुनेंगे, सीधा के ऊपर सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पर उल्टे के ऊपर उल्टा बुनेंगे और सीधे के ऊपर सीधा बुनेंगे। तो फिर इस तरह से 10 फंदे हमने कंप्लीट किए। आगे के 10 फंदे फिर हम उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा बुनेंगे। तो यह देखिए ये फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है तो इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर देखिए सीधा, यहाँ पर सीधा दिख रहा है, धागा के करेंगे और उल्टा बुनेंगे। ये उल्टा है, इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। सीधा दिख रहा है, यहाँ पर हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 10 फंदे, 10 फंदे का हम डिवाइड करके इस तरह से बुनेंगे। ये उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के इन 2 फंदे को हम उल्टा ही बुनते आ रहे हैं, उल्टा बुनेंगे। इस तरह हमारा थर्ड रो कम्प्लीट हुआ। फोर्थ रो हम सेम सेकेंड रो के तरह बनाएंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। रो नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ, अब आते हैं रो नंबर 5 में। तो आगे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 10 फंदे हमने पहले स्टार्ट के 10 फंदे को हमने एक्स्ट्रा 2 फंदे उल्टे बुने हैं। स्टार्ट के 2 फंदे को हम जैसे बुनते आ रहे हैं अभी तक मैंने हमें 3 लाइन में बनाए हैं, सीधे के ऊपर सीधा उल्टा के ऊपर उल्टा। फिर अगले 10 फंदे में हम पलट कर बनाएंगे, उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा। फिर अगले 10 फंदे में हम बनाएंगे सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा।
इस तरह से हम करते हुए टोटल हम 10 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 4 लाइन कंप्लीट किए हैं और इसी तरह से 6 लाइन और हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें 10 लाइन की बुनाई हो गई और ये 10 लाइन की बुनाई करने के बाद यहाँ से यहाँ तक बनी है। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक बनी है। अब हम 11वीं लाइन बनाएंगे जब, तो ये फंदे को फिर ये पैटर्न को हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टार्ट के हम देखिए 2 फंदे को एक्स्ट्रा वाला है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 11वीं रो में कैसे हम बनाएंगे, ये सीधे फंदे जो हमने अभी तक 10 लाइन इसमें बनाए हैं, इस सीधे फंदे के ऊपर हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 2 उल्टा और ये उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। एकदम फर्स्ट रो की तरह आप बुनेंगे 11वीं लाइन को। यहाँ पर ये देखिए सीधा फंदा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे और ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। और यहाँ पर देखिए 8 लाइन बुनाई होगी इसमें, ये 2 फंदा हमारा एक्स्ट्रा है और 2, 4, 6, 8 लाइन बुनाई होगी। आठ फंदे बुनने के बाद अब 10वें फंदे को हम इधर से लेकर, ये उल्टे फंदे हैं, देखिए फिर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। ये वाले सीधे फंदे हैं, यहाँ देखिए उल्टा सीधा, और इधर से हम अब उल्टा लेकर बुनेंगे। 8 फंदे बुनने के बाद 10वां फंदा जो है, हम 9 और 10 फंदे हम इस तरह से 2 फंदे के बाद लेंगे, इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे और सीधे वाले फंदे को हम इधर ले आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम उल्टा बुन देंगे। ये फंदा सीधा हुआ था हमारा और अगला 2 फंदा हमारा उल्टा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम ये 2 फंदा सीधा है, यहाँ पर अब 10 फंदे हम जो बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो यहाँ पर देखिए सीधा हुआ है, पहले धागा पीछे करेंगे, ये सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, 2 फंदा फिर हम उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदा सीधा और फिर 2 फंदा उल्टा। 8 फंदे फिर हम बुन लिए यहाँ से, यहाँ से 8 फंदे बुन लिए और 10वें फंदे, 9 और 10 फंदे ये वाले सीधे जो हमने इधर से बनाए हैं, सीधे के ऊपर सीधे उल्टे के ऊपर उल्टे, ये वाले सीधे फंदे हम ट्विस्ट करके आगे लाएंगे। और इसे हम सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा बुन लेंगे। आगे देखिए फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे इन 2 फंदा को, और यहाँ पर देखिए ये उल्टे के ऊपर अब हम सीधा बुनेंगे अगले 10 फंदे को। तो 2 फंदे हमने बुन लिए, ये 4 फंदे हुए, ये देखिए सीधा है, इसके ऊपर अब हम उल्टा बुनेंगे। पैटर्न सेम है, सिर्फ हमने पैटर्न को शिफ्ट किए हैं, ये वाले पैटर्न को यहाँ और ये वाले पैटर्न को यहाँ, बस। यहाँ देखिए फिर सीधा है, यहाँ पर उल्टा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे 2 फंदे को। अब फिर हमें उल्टा बुनना है, 8 फंदे बुनने के बाद 10वां फंदा हम इस तरह से ट्विस्ट करके लाएंगे बैक साइड से उल्टे वाले फंदे को। इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे और अब इधर हम सीधे के ऊपर सीधा उल्टा के ऊपर उल्टा जिसे बुनेंगे, तो सबसे पहले ये सीधा फंदा है, तो अगला हम पहले सेट कर लेंगे इस रोल में। 2 फंदा उल्टा होगा, फिर 2 फंदा सीधा होगा, 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा। धागा आगे, ये लास्ट का 2 फंदा हम सीधे साइड से उल्टा ही बुनते रहे, इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे।
फिर उल्टी साइड से रो 12 है, रो 2 की तरह हम बुनेंगे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इस पैटर्न में, मैं अभी तक जो भी बताई हूँ कि उल्टी साइड में आप जो फंदे जैसे भी दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे सारा पैटर्न में, पूरा पैटर्न में। रो नंबर 13 में देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाले पहले हम दो फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये दो फंदे हम पहले हम 10 फंदे की बुनाई करेंगे, 10 10 फंदे में शिफ्ट करके। यहाँ पर देखिए पहले ये 10, यहाँ पर दो फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे अब। और फिर यहाँ पर सीधे फंदे दिख रहे हैं, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम 10 फंदे बुनेंगे, और सीधा है इसके ऊपर हम उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पर उल्टा है इसके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। तो 10 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए। देखिए दो फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, और उसके बाद 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हमने बुन लिए। अगले 10 फंदे को हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुने, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो देखिए सीधा बुने, ये उल्टा है इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर यहाँ पर सीधा है तो सीधा ही बुनेंगे, और फिर यहाँ पर उल्टा है तो उल्टा ही बुनेंगे। फिर यहाँ पर दो फंदा सीधा है, यहाँ पर सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, सॉरी धागा पीछे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए अब ये 10 फंदे तो हमने बुन लिए, सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा। अगले 10 फंदे को फिर हम बुनेंगे उल्टा के ऊपर सीधा और सीधा के ऊपर उल्टा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ पर सीधा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, उल्टा है इसे हम सीधा बुनेंगे, सीधा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पर उल्टा है इसे हम सीधा बुनेंगे। ये 10 फंदा हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला 10 फंदा फिर हम कैसे बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे, सीधा के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। देखिए ये दो फंदा सीधा, ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनेंगे, ये सीधा दिख रहा है तो सीधा ही बुनेंगे, ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, और ये एक्स्ट्रा लास्ट वाले दो फंदे हैं इसे हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से रो नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। और 14 रो को हम उल्टी साइड से है, तो जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन लेंगे। इसी तरह से हम 20 रो तक कंप्लीट करेंगे, और 20 रो कंप्लीट करने के बाद फिर से हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा, और ये बनकर इस तरह से तैयार होगा। तो बनाइए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।